मैं राजस्थान के प्रभारी एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय अजय माकन साहब से निवेदन करूंगा कि वे आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक जी, रघु शर्मा जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, लालजी देसाई जी, जगदीश ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यगण, वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाई और बहनों, आज मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर के ऊपर प्रसन्नता हो रही है कि आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाते हुए गौरव यात्रा के अंदर मुझे भी कुछ कदम चलने का आप लोगों के साथ में एक मौका मिला है। और ये गौरव यात्रा जो पूरे देश भर के अंदर निकाली जा रही है और गुजरात से राजस्थान के अंदर आया है, ये ना केवल एक 75वें वर्षगांठ का जश्न है बल्कि ये अपने आप के अंदर बहुत सारे मैसेजेस भी देता है जिसको समझने की आज जरूरत है। हम लोगों को इस बात को आज जब 75 वर्ष आजाद हुए हो गए, लोकतंत्र प्राप्त किए हुए हो गए, तो हमको आज ये आंकलन करना भी जरूरी हो जाता है कि हमारा देश आज के दिन किस दिशा में जा रहा है। क्या लोकतंत्र हमारा मजबूत हो रहा है? क्या लोकतंत्र के अंदर जो सपने के साथ में, जिस कुर्बानी के साथ में हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी, जेलें काटी, जान दी, क्या लोकतंत्र आज सही दिशा में, उसी दिशा में जा रहा है? क्या हम वाकई में लोकतांत्रिक देश हैं? लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होता। चुनाव तो इस तरीके से रूस के अंदर जो पुतिन है वो कहता है वो भी चुना हुआ है, चीन का राष्ट्रपति है वो भी कहता है वो भी चुना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जहां पे फौज चुनाव कराती है वहां पर भी वो कहते हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, तो क्या वो भी लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होना होता है, लोकतंत्र का मतलब है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाने हैं, संवैधानिक संस्थाने हैं, क्या वो सही मायने में अक्षुण है? क्या सही मायने में बगैर दबाव के काम कर रही है? क्या जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थाने हैं, क्या हमारी मीडिया है, क्या आज सही मायने के अंदर वो आजाद है? अगर आज हमारा मीडिया मध्य प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ, वहां के विधायक के खिलाफ कुछ दिखाता है तो थाने में बुला करके उसके मीडिया के लोगों के कपड़े उतार लिए जाते हैं, तो क्या लोकतंत्र सही मायने में हमारे देश में है? आज हमारे मीडिया इतने दबाव में है कि जो हमारे देश के सही दिखते हैं वो कहीं पर आपको मीडिया में चर्चा में नजर नहीं आएगा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मीडिया नहीं दिखाएगा। महंगाई चरम सीमा पे है, ये मीडिया नहीं दिखाएगा। तो जो आज जब हमारी मीडिया सही मायने में आजाद नहीं है, तो क्या हमारा लोकतंत्र आजाद है? क्या हम सही मायने में लोकतांत्रिक है? जब हमारे इलेक्शन कमीशन दबाव में है, हमारी न्यायपालिका भी एक तरीके से दबाव में है, आज कितने लोगों को यह पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका से उनको न्याय मिल जाएगा, आज ये भरोसा लोगों को नहीं है। तो जब ये भरोसा नहीं है तो लोकतंत्र कहां है? आज जब भय का माहौल है, आज एक आतंक का माहौल है, तो लोकतंत्र कहां पे हो गया? भय के माहौल के अंदर लोकतंत्र कहां पे काम कर सकता है? ये हमारे को आज सोचने की जरूरत है। तो आज जो ये गौरव यात्रा हम लोगों की निकल रही है, ये ना केवल 75वें वर्षगांठ का जश्न हम इसमें मनाएंगे, बल्कि हम कांग्रेस के लोग इस बात को भी हम सोचेंगे और इस बात का भी प्रचार करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पिछले कम से कम 7-8 वर्षों के अंदर खोया है और उसको वापस हम लड़ करके कैसे लोकतंत्र को सही मायने के अंदर हम स्थापित कर सकें, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इसके अंदर राजस्थान में हम पूरी ताकत के साथ में, पूरे देश में पूरी ताकत के साथ में लगाएंगे। मुकुल जी, आपको हम ये भरोसा देना चाहते हैं, आपके माध्यम से कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को भरोसा देना चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री काल के अंदर और साथ साथ में दोतासरा जी की अध्यक्षता में राजस्थान के अंदर ये गौरव यात्रा पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन यहाँ पे राजस्थान के अंदर हम करके दिखाएंगे, लोगों के बीच लेकर के दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।